इस लेक्चर में हम डिमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम वेव पढ़ने वाले हैं। तो डिमॉड्यूलेशन करने के लिए सबसे पहले हमने जनरेशन करना पड़ेगा। तो लास्ट लेक्चर में हमने जनरेशन किया था एफएम वेव का, तो हमने जो ईएफएम वेव जनरेट किया था, मतलब कि अगर हम एफएम वेव की बात करते हैं तो हमने जो एफएम वेव जनरेट किया था वो हमें क्या निकल के आया था, ए कॉस ओमेगा सी टी प्लस के एफ इंटीग्रेशन एम ऑफ टी इंटू डी टी। ये हमारा था एफएम वेव का इक्वेशन था। ये जो हमने जनरेशन किया था वो कहाँ किया था, ट्रांसमीटर साइड किया था। तो ट्रांसमीटर साइड हमने एफएम वेव को जनरेट किया था। अब ये जो हमने जनरेट किया है एफएम वेव को, इस जनरेटेड एफएम वेव को हम क्या करेंगे, रिसीवर साइड सेंड करेंगे। तो जब आप रिसीवर साइड इस एफएम वेव जनरेटेड एफएम वेव को जब आप रिसीवर साइड सेंड करेंगे तो रिसीवर क्या करेगा, इसी एफएम वेव को क्या करेगा, रिसीव करेगा। इस एफएम वेव को रिसीव करेगा तो उसके पास रिसीवर साइड भी आपको यही सिग्नल मिलेगा। तो ये आप देख पा रहे हो कि जो आपका एफएम वेव है वो कैसा है, नॉन लीनियर वेव है। अब इस नॉन लीनियर वेव से हमें क्या करना है, इसका डिमॉड्यूलेशन करना है, क्योंकि जो ट्रांसमीटर साइड पे आपका मॉड्यूलेशन का प्रोसेस होता है और रिसीवर साइड पे आपका डिमॉड्यूलेशन का प्रोसेस होता है, जिसमें हम ओरिजिनल सिग्नल को या फिर जो हमारा मैसेज सिग्नल है उसको क्या करते हैं, रिकवर करते हैं। तो अब हम क्या करेंगे, इसका डिमॉड्यूलेशन करेंगे। ये जो हमारा एफएम सिग्नल है, इस एफएम सिग्नल का हम क्या करेंगे, डिमॉड्यूलेशन करेंगे। डिमॉड्यूलेशन हम क्यों करेंगे, क्योंकि हमें ओरिजिनल सिग्नल को एक्सट्रैक्ट करना है या फिर ओरिजिनल सिग्नल को हमें निकालना है। तो हम डिमॉड्यूलेशन क्यों करेंगे, जिससे कि हमारा जो ओरिजिनल सिग्नल है वो हम रिकवर कर सकें। तो अब डिमॉड्यूलेशन हम करेंगे कैसे, यहाँ पर हम जो हमारे पास एफएम सिग्नल है वो कैसा है, नॉन लीनियर है और ये थोड़ा सा हमें कॉम्प्लिकेटेड भी दिख रहा है। तो अब अगर हम याद करें कि हमने जनरेशन कैसे किया था, तो हो सकता है कि शायद एफएम को रिकवर करने का भी मेथड मिल जाए। तो जब हमने एफएम जनरेशन की बात की थी तो एफएम हमने जनरेट कैसे किया था वो थोड़ा सा अगर आप रिकॉल करें, तो सबसे पहले हमने क्या किया था, नैरो बैंड एफएम जनरेट किया था। नैरो बैंड एफएम को फिर हमने वाइड बैंड एफएम में कन्वर्ट किया था। अब ये जो नैरो बैंड एफएम आपका जनरेट होकर के आया था वो कैसे जनरेट हुआ था, इसको जनरेट करने के लिए हमने डीएसबीएससी मॉड्यूलेटर या फिर हम इसको कह सकते हैं कि एएम मॉड्यूलेटर, तो डीएसबीएससी मॉड्यूलेटर या फिर एएम मॉड्यूलेटर का यूज़ किया था हमने नैरो बैंड एफएम जनरेट करने के लिए। उसके बाद हमने उस नैरो बैंड एफएम को वाइड बैंड एफएम में कन्वर्ट कर दिया था। तो ये यहाँ से हमें समझ आ रहा है कि हम क्या कर रहे हैं, एफएम जनरेट करने के लिए हम एएम मॉड्यूलेशन कर रहे हैं, तब जा करके हम एफएम जनरेट कर पा रहे हैं। तो क्यों ना हम इसी का रिवर्स प्रोसेस कर देते हैं, किधर से, तो रिसीवर साइड, क्योंकि रिसीवर साइड जो हमारा मॉड्यूलेशन होता है उसी का अपोजिट ही तो प्रोसेस हमारा डिमॉड्यूलेशन होता है। तो अगर हमने मॉड्यूलेशन साइड पे क्या किया था, एएम मॉड्यूलेशन किया था, उसके बाद हमारा एफएम जनरेट हुआ था, तो हमारे पास एफएम तो है ही, हम एफएम से मैसेज सिग्नल रिकवर करने के लिए जो हमारा ओरिजिनल सिग्नल है उसको रिकवर करने के लिए हम क्या करें, पहले एएम मॉड्यूलेशन कर लेते हैं, मतलब एएम वेव हम ऑप्टेन कर लेते हैं, फिर उस एएम वेव से हम क्या करेंगे, मैसेज सिग्नल को रिकवर कर लेंगे। तो इस एएम वेव को निकालने के लिए हम क्या कर सकते हैं, तो इसका मतलब क्या है कि अगर हम एक लाइन में कहें कि डिमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम वेव कैसे हो सकता है, अगर आप डिमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम की बात करें तो आप कह रहे हो कि आप पहले एफएम सिग्नल जो आपके पास है उस एफएम सिग्नल को एएम में कन्वर्ट करिए, मतलब कि उसका एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन कीजिए, उसके बाद फिर उस एएम मॉड्यूलेशन से आप क्या करिए, ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर कर लीजिए। तो ये आपका पूरा कहलाएगा डिमॉड्यूलेशन ऑफ एफएम। तो अब हमें अगर एफएम को एएम में कन्वर्ट करना है, फ्रिक्वेंसी मॉड्यूलेशन को एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन में कन्वर्ट करना है, तो हम क्या करें, जो हमारे पास एफएम वेव है उसको हम एक डिफरेंशिएटर सर्किट से पास कर दें अगर, तो जो हमारा एफएम है वो हमारा किस में कन्वर्ट हो जाएगा, एएम में कन्वर्ट हो जाएगा। और हम यहाँ पर देख रहे हैं कि हमारा ये जो एफएम हमारा रिसीव होकर के आया है उसमें हम इंटीग्रेशन देख रहे हैं। तो अगर क्योंकि हमारा जो डिमॉड्यूलेशन प्रोसेस है वो अपोजिट है किसका, मॉड्यूलेशन का ही तो अपोजिट है, तो अगर हमारे पास यहाँ पर इंटीग्रेशन है तो हम क्या कर सकते हैं, इंटीग्रेशन का अपोजिट हमारे पास क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है। तो हम सिंपली यहाँ पर इस सिग्नल को जो हमारा एफएम सिग्नल है इसको हम एक डिफरेंशिएटर से पास कर देते हैं, तो डिफरेंशिएटर हमें क्या कन्वर्ट करके दे देगा, एएम कन्वर्ट करके दे देगा। तो अगर हमें एएम
ऑप्टेन करना है तो हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएटर के थ्रू जो हमारे पास एफएम वेव है उसको पास कर दें अगर, तो हमें एएम वेव ऑप्टेन हो जाएगा। तो डिफरेंशिएटर से पास करने का मतलब क्या है, ये जो आपके पास एफएम वेव है इसको आप डिफरेंशिएट कर दीजिए। तो जब आप इसको डिफरेंशिएट करेंगे, तो इसको डिफरेंशिएट करेंगे जब आप, तो आपके पास क्या ऑप्टेन होकर के आएगा, ए ओमेगा सी टी प्लस के एफ एम ऑफ टी इंटू डी टी, सॉरी तो हट जाएगा आपका। उसके बाद कॉस का जो आपका डिफरेंशिएशन होता है वो क्या होता है, माइनस साइन होता है, तो आप इसको माइनस इधर ले आइए और इसको आप लिख सकते हो इंटू साइन ओमेगा सी टी प्लस के एफ इंटीग्रेशन एम टी इंटू डी टी। तो अब अगर आप इस माइनस साइन को रिमूव करना चाह रहे हैं तो आप क्या करिए, ये क्या है आपके माइनस साइन थीटा है, ये आपका माइनस टर्म इधर है, तो ये क्या है माइनस साइन थीटा है। माइनस साइन थीटा को हम क्या लिख सकते हैं, साइन 180 प्लस थीटा लिख देंगे तो ये हमारा जो माइनस टर्म है ये कैंसिल हो जाएगा। तो इसको आप हटा दीजिए, ओमेगा रहेगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन बाद में किसी को कन्फ्यूज़न हो तो उससे बेहतर है कि हटा दीजिए। तो ये हो जाएगा आपका के एफ इंटीग्रेशन एम टी डी टी प्लस 180 डिग्री, ठीक। तो ये आपको ए एम वेव मिल गया है। अब ये जो आपको ए एम वेव मिला है, ये जो आपका ए एम वेव है, ये देखिए आपको एम्पलीट्यूड मिल गया है, ये आपका क्या है एम्पलीट्यूड है, और ए एम वेव कहता ही है कि मतलब आपका जो एम्पलीट्यूड है वो वेरी करना चाहिए जो कि आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है उसके अकॉर्डिंग। तो ये आपका क्या है एम्पलीट्यूड है और ये आपका एंगल है। तो यहाँ से आप देख पा रहे हो कि आपको ए एम में, वैसे तो हमारे पास अगर हम सिर्फ ए एम की बात करते हैं जो हमने पहले पढ़ा था क्लासेस में, तो वहाँ पर हमारा केवल एम्पलीट्यूड वेरी कर रहा था, एम्पलीट्यूड वेरिएशन हो रहा था, लेकिन यहाँ पर हमारे पास क्या है एंगल भी है हमारे पास। तो अब हमारे पास ए एम मिल गया है जिसमें आपके पास एम्पलीट्यूड तो है ही है और आपका एंगल भी चेंज हो रहा है। तो यहाँ से आप देखिए कि आपको ये जो ए एम मिला है, इस ए एम से आपको ओरिजिनल सिग्नल फाइंड आउट करना है। तो इस ए एम सिग्नल को आप क्या करिए, क्योंकि हमें केवल एक तरीके से हम कह सकते हैं कि हमें एम्पलीट्यूड का स्लोप चाहिए। तो अगर हमें एम्पलीट्यूड का स्लोप चाहिए तो हम क्या कर सकते हैं कि इसको हम एक एनवलप डिटेक्टर से अगर पास कर दें इस ए एम को, तो हमें क्या मिल जाएगा, ओरिजिनल सिग्नल हमें रिकवर होकर के आ जाएगा, क्योंकि ये हमारा क्या है ए एम है, और इस ए एम को अगर हम पास करा दें एक एनवलप डिटेक्टर से तो हमें ओरिजिनल सिग्नल हमारा रिकवर हो जाएगा। तो हमने सबसे पहले क्या किया था, डिफरेंशिएटर से पास किया था, ये हमारा एफ एम सिग्नल था जिसको हमने डिफरेंशिएटर से पास किया, तो हमें क्या मिला था ए एम सिग्नल मिला। इस ए एम सिग्नल को अब हम एक एनवलप डिटेक्टर से पास कर दें, तो हमें ओरिजिनल सिग्नल जो है हमारा हम कह सकते हैं मैसेज सिग्नल वो रिकवर होकर के आ जाएगा। तो ये तो आपका ए एम क्या है, यहाँ पर जो आपको रिसीव हुआ है वो आपका क्या है ई ए एम है, ये पूरा इक्वेशन, और यहाँ पर आपका क्या आपने अप्लाई किया है ई एफ एम अप्लाई किया था, आपको ई ए एम मिला, उसके बाद आपने एनवलप डिटेक्टर से पास किया, तो यहाँ पर आपको क्या मिल जाएगा, यहाँ पर आपको केवल ये एम्पलीट्यूड मिल जाएगा जिसमें आपके पास केवल मैसेज का टर्म है। तो ये क्या हो जाएगा ए ओमेगा सी टी प्लस के एफ एम ऑफ टी। तो अब आप देखिए कि डिमॉड्यूलेशन आपका हो गया है, आपने एफएम सिग्नल अप्लाई किया था डिफरेंशिएटर को, डिफरेंशिएटर ने आपको एएम वेव दिया, लेकिन एएम वेव में आपके पास एम्पलीट्यूड के साथ साथ फेज में भी वेरिएशन हो रहा था। तो हमें फेज में वेरिएशन से कोई मतलब नहीं है, तो हमने क्या किया कि एनवलप डिटेक्टर लिया, वो एनवलप डिटेक्टर हमारा क्या करेगा, मैसेज सिग्नल को हमें रिकवर करके दे देगा। तो हमारे पास मैसेज सिग्नल हमारा कहाँ था, यहाँ पर था, तो उसने उस वाले कंपोनेंट को दे दिया, जो बाकी आपका एंगल में चेंजमेंट हो रहा था उसको हटा दिया। तो अब आप देखिए आपको मैसेज सिग्नल रिकवर होकर के, जो आपका ओरिजिनल मैसेज सिग्नल था वो आपको रिकवर होकर के आ गया है, और साथ में आपके पास ये फ्रिक्वेंसी कंपोनेंट भी आया है। तो अब आप देखिए कि अगर हम बेसिक डिमॉड्यूलेशन की बात करते हैं एफएम वेव की, तो हमारे पास जो एक सिंपल और एक हम कह सकते हैं कि अगर हमें कोई भी एफएम का डिमॉड्यूलेशन करना है तो हमेशा यही प्रोसेस अप्लाई होगा।
आप चाहे किसी भी मेथड का यूज़ कर लीजिए एफएम को डिमॉड्यूलेट करने के लिए या फिर ओरिजिनल सिग्नल को रिकवर करने के लिए, प्रोसेस यही रहेगा। बस चेंजमेंट हमारा कहाँ पर होगा, ये जो हमारा स्लोप डिटेक्टर यूज़ हो रहा है, मतलब कि ये जो हमारा डिफरेंशिएटर यूज़ हो रहा है, ये डिफरेंशिएटर ही हमारा चेंज करेंगे हम। इस डिफरेंशिएटर को या हम अलग अलग सर्किट से रिप्लेस करेंगे तो ये सर्किट ही हमारा क्या करेगा, एक तरीके से इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करेगा आपका एफएम डिमॉड्यूलेशन में। तो ये जो सर्किट है डी बाई डी टी को हम स्लोप भी बोलते हैं, जो भी सर्किट्स यूज़ करेंगे एफएम को डिमॉड्यूलेट करने के लिए, तो यहाँ पर हम रिप्लेसमेंट करेंगे। तो अब अगर हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि हमारे पास कितने टाइप के एफएम डिमॉड्यूलेटर सर्किट हैं, उसके पहले हम वेवफॉर्म देख लेते हैं। ये हमारा क्या है, एफएम की वेवफॉर्म अगर हम बोलें तो हमें एफएम वेव कैसे मिलता है, जो हमारा मैसेज सिग्नल क्या होता है इंक्रीज करता है उस टाइम पे, आपका जो डेविएशन होता है फ्रिक्वेंसी में वो, मतलब एक तरीके से हम कह सकते हैं कि फ्रिक्वेंसी उस टाइम पे आपका हाई होता है, तो टाइम पीरियड आपका क्या हो जाएगा, बहुत ही लो हो जाएगा यहाँ पर। और जैसे ही आपका एम्पलीट्यूड क्या करता है डिक्रीज करना स्टार्ट करता है, तो डेविएशन आपका बढ़ जाता है फ्रिक्वेंसी में। फिर एक टाइम बाद, मतलब जब आपका एम्पलीट्यूड बढ़ेगा उस टाइम पे आपका जो डेविएशन होगा या फिर फ्रिक्वेंसी हाई होगा, जब एम्पलीट्यूड घटेगा तो फ्रिक्वेंसी आपका लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो ये आपका क्या है, एफएम वेव जो आपने यहाँ पर अप्लाई किया है। उसके बाद जो आपका एएम वेव जनरेट होकर के आएगा और आप जब इसको पास करोगे, तो जो आपका एएम वेव जनरेट होकर के आएगा वो कुछ ऐसा हो आएगा। ये आपका एएम वेव जनरेट होकर के आएगा। अब जब आप इसको एनवलप डिटेक्टर से पास कर दोगे, तो यहाँ पर ये जो आपका, आपको ये क्या है, आपका एनवलप है, तो आपको केवल एनवलप से ही मतलब है, बाकी जो आपका एंगल में जो चेंजमेंट हो रहा है उससे मतलब नहीं है। तो आपका ओरिजिनल सिग्नल क्या हो जाएगा, यहाँ से रिकवर हो जाएगा ऐसे। तो यहाँ से हमने क्या किया, डिमॉड्यूलेशन किया एफएम वेव का, पहले उसको एएम में कन्वर्ट किया, एएम के बाद मैसेज सिग्नल हमने रिकवर कर लिया। नेक्स्ट अब हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं कि हम जो भी हमारे पास डिफरेंशिएटर सर्किट है हम उसको रिप्लेस करेंगे इन सारे सर्किट से, उसके बाद डिमॉड्यूलेशन करेंगे। तो उनका क्लासिफिकेशन है कि चार पार्ट्स में, या फिर हम कह सकते हैं कि चार कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है एफएम डिमॉड्यूलेटर को। पहला है आपका फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर सर्किट या फिर फ्रिक्वेंसी डिमॉड्यूलेटर, नेक्स्ट है आपका फेज डिस्क्रिमिनेटर, थर्ड है आपका पीएलएल या फिर इसको फेज लॉक लूप बोलते हैं, और नेक्स्ट है जीरो क्रॉसिंग डिटेक्टर। उसके बाद हमने फेज डिस्क्रिमिनेटर और फ्रिक्वेंसी डिस्क्रिमिनेटर को दो सब पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, दो मेथड इनके और हैं। पहला है आपका सिंपल स्लोप डिटेक्टर, सेकेंड है बैलेंस स्लोप डिटेक्टर। वैसे ही फेज डिस्क्रिमिनेटर को भी दो पार्ट में डिवाइड किया गया है, मतलब दो इनके मेथड्स हैं, पहला है फोस्टर सिली एंड नेक्स्ट है रेशियो डिटेक्टर। इन सारे मेथड्स का यूज़ हम, मतलब वर्किंग प्रिंसिपल, नेक्स्ट लेक्चर से पढ़ेंगे।